वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान बंद चाय बागानों के श्रमिकों को वेतन देने के मांग तथा अन्य मांगों को लेकर आज बानरहाट थाना अंतर्गत गेंद्रापड़ा चाय बागान फैक्ट्री गेट पर श्रमिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी श्रमिकों ने अपने अपने अधिकार को लेकर सरकार एवं मैनेजमेंट के सामने अपनी बातें रखी। देखिए यह रिपोर्ट। ये गेंद्रापड़ा चाय बागान है, हम लोग यहाँ सभी उपस्थित श्रमिकगण हैं। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे जिस मुद्दा से हम लोग आए हैं, श्रमिकों का जो लॉकडाउन के पीरियड में जो तनख्वाह था, उस तनख्वाह को मालिक ने आइन के अनुजाई पूरा नहीं देकर जो 500 रुपये करके दिया था, उसमें एक और बोला गया था कि अभी पैसा का बहुत तंगी है, पैसा जब होगा तो फिर हम इसका बारे में पुनर्विचार करेंगे। लेकिन इस महीना हम लोग का जब 13 तारीख से बगान खुला, खुलने के बाद एक एक श्रमिक का काम हो रहा है, 10 दिन 12 दिन किसी का 6 दिन भी है, जिसमें हम लोग को फगुआ एडवांस दिया था मालिक 900 रुपये करके, वो 900 रुपये में 450 रुपये करके काटने के लिए तय हो गया। स्टाफ सब स्टाफ का ऑलरेडी 650 करके काट चुका है। इसको हम लोग घोर विरोध करते हैं। आज हम लोग को जो रुपया हम लोग को मिलेगा, उस रुपया से भी घर चलाना नामुमकिन है, फिर भी मालिक ने 450 काटा है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। इसी विषय लेके मेन मुद्दा है, और अभी हम लोग डिपोटेशन देने जाएंगे, मालिक को बोलेंगे उनका क्या सिद्धांत होगा, उसके बाद हम लोग आज काम करेंगे या नहीं करेंगे उसका फैसला होगा। यहाँ कौन कौन सा श्रमिक संगठन? यहाँ पे चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन है, चाय बागान मजदूर यूनियन है, भारतीय मजदूर यूनियन है, और प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन है। हम लोग चार संगठन इसमें हैं, चारों का एक ही मत है। हम लोग का साथ साथ जितने भी श्रमिक आए हैं, सभी श्रमिकों का एक ही मत है, भूखा मरेंगे लेकिन ऐसा तंगी हालत में नहीं जाएंगे। आज का जो गेट मीटिंग है, क्या बोलना चाहेंगे? आज का जो गेट मीटिंग है, ये हम लोग का कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है। ये मजदूर लोग काफ़ी तकलीफ में है लॉकडाउन के पीरियड में, उनका पूरा तनख्वाह पूरा काम नहीं हुआ है। बीते 13 तारीख से सरकार के आदेश के अनुसार से जो 25% मजदूर को बहाली करने का बात है, उसी को हम लोग पालन करते हुए मजदूर लोग निकला है, तो उनका पूरा काम नहीं हुआ है, 15-16 दिन काम हुआ है। उसमें से जो हम लोग का काली पूजा में लिया हुआ एडवांस जो था, वो किसी यूनियन को साथ में मैनेजमेंट ने बातचीत नहीं करके काट दिया। एक तो वो जो पूरा तनख्वाह मिल के हमको घर चलाने के लिए तकलीफ होता है, लेकिन कम है उसमें भी काट दिया, इसमें तकलीफ हुआ। हमारा मजदूर लोग का बीते पूजा का समय में एक तो राशन है, जो राशन मिलना है राशन भी नहीं मिला है, ये मार्च महीना का मिट्टी तेल भी नहीं मिला है। तो मैनेजमेंट अपना ख्याल खुशी से बागान को चलाने को चाहते हैं, इलीगल हिसाब से मजदूर को जो अधिकार है मिलना है उसको कटल करने को कोशिश करते हैं। आज हम लोग ये जो सरकार का जो आदेशनामा से हम लोग लॉकडाउन को हम लोग तमाम मजदूर उनकी परिवार हम लोग पालन करते हैं और भी करेंगे, लेकिन आज बहुत दुख लगा है ऐसी घड़ी में हम लोग का ये बात लेकर, मजदूर का जो दुख लेके आने पड़ा है। हम लोग मैनेजर को आगाह करने को चाहते हैं, आगामी दिन मजदूरों का जो भी पावना दावना जो भी है, यूनियन के साथ में बातचीत करके उसको दिया जाए। न सैनिटेशन का व्यवस्था है, यहाँ पर कोई किस्म का व्यवस्था नहीं है। मैनेजमेंट के तरफ से हम लोग देखा है, जिसको टेम्प्रोरी वर्कर को लेबर स्टैंड दिखा कर 25% मजदूर को निकाला है, लेकिन उनको ना 500 रुपया दिया ना 1000 रुपया दिया, कोई एडवांस नहीं दिया। वो भी तो हमारा परिवार है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पीरियड में मजदूर भागेगा नहीं, मजदूरों का पीएफ पाना है, मजदूर का ग्रेजुटी पाना है, मजदूर का बोनस पाना है, मजदूर को साल छुट्टी पाना है, तो मजदूर को हित में तो अभी मुसीबत का समय में मैनेजमेंट कॉपरेट क्यों नहीं करेगा? सरकार ने बोला है उसको तनख्वाह नहीं काटने के लिए, फिर भी काटा जा रहा है। हम लोग डीएम के पास में डिपुटेशन दिया,
हम लोग जनाए हैं, मजदूर का कोई किस्म का तनख्वाह नहीं काटा जाए, पूरा तनख्वाह दिया जाए, बाद में जो होगा हम लोग बातचीत करेंगे, ट्रेड यूनियन है, मैनेजमेंट है, कंपनी है, सबसे बातचीत करेंगे। अभी अपना खुशी से हमारा सब स्टाफ का तनख्वाह 70% दे रहा है, बीते महीने का 30% बच गया है, इस दफ़े का 30% बच गया है, ये कौन कानून है, कौन नियम है, इसके ऊपर में एडवांस काट दिया है। हम लोग चाहते हैं ये हमारा मजदूर को अभी एडवांस को न काटे, और हमारा ये 30% जो काट के रखा है उसको पूरा मैनेजमेंट को देने होगा। हम लोग आशा करते हैं ये हमारा लीगल कानूनी बात है, इसको मालिक लोग आगे बढ़े इसको देने के लिए, नहीं तो मजदूर के अंदर में अशांति है। अगले दिन हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए भी हम लोग आंदोलन में उतरने के लिए बाध्यता होंगे, यही बात है।